गुरुवार को मथुरा बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर ने अपने पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने की शपथ ली। इस मौके पर जुडिशियल अधिकारियों के अतिरिक्त अधिवक्ता गणी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आशीर्वाद देने पधारे हैं हमारे जिला जज महोदय और अन्य मुख्य अतिथिगण, अन्य सम्मानीय अतिथिगण। आपके पधारने से वास्तव में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है और अधिवक्तागण को गर्व का अनुभव भी होता है। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का वक्त है तो कुछ ऐसी ही बातें जो अचानक मन में आती है मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बार एसोसिएशन की पोस्ट पर, चाहे अध्यक्ष की पोस्ट हो, चाहे सेक्रेटरी की पोस्ट हो, जब हम लोग या हमारे कोई साथी चुनाव लड़ते हैं, उनके मन में सबसे पहला एक भाव आता है कि जनपद न्यायाधीश भाग्य से उन्हें सामंजस्य वाले मिल जाए। हमारी वर्तमान कार्यकारिणी भाग्यशाली है कि उन्हें जनपद न्यायाधीश के रूप में एक बहुत व्यवहार कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सब व्यवहार वाले सज्जन मिले हुए हैं। अब तक का आपका जो भी कार्यकाल रहा वो वास्तव में पारदर्शिता के रूप में कहें, उचित आदेश के रूप में कहें, व्यवहार के रूप में कहें, एक ऐसा अवसर मिलता है कि ये कहना पड़ता है कि वास्तव में हमारी वर्तमान निधि और हम सभी अधिवक्तागण बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा पूरा वर्ष बहुत आराम से निधि होगा। हमारी जो गत कार्यकारण थी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा व्यतीत हुआ और ये कार्यकाल इसी परिवेश में उतना ही अच्छा और उससे बेहतर व्यतीत होगा। ऐसी शुभकामनाएं और बधाई पूर्व कार्यकाल को और वर्तमान कार्यकाल को प्रदान करता हूँ। स्वयं को अधिवक्ता के साथ साथ बार के अध्यक्ष के रूप में काम करता हुआ महसूस करेगा। जिस अपार बहुमत से आप पद में मुझे जीत दी, इस बड़े बोझ को मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने में आप सब मेरा साथ देंगे, ये मुझे विश्वास है। समय बहुत हो चुका है, हमें और आपको बात करने के बहुत मौके मिलेंगे। मैं दो बातें आपसे रखना चाहता हूँ कि जो प्यार आपने मुझे निर्वाचन में दिया है, इसी प्यार के साथ आप मेरा सहयोग करते हुए इस कार्यकाल को पूर्ण कराए, ऐसी मैं एक बार फिर आपसे याचना कर रहा हूं। जितना प्यार दिया है आपने और कोई नहीं दिया। दूसरी बात, मित्रों, यह विश्वास रखना कि रिजिम और बार के सम्मानित सदस्यों के मध्य आप सभी के सामंजस्य से एक ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा जिसकी उपासना वर्षों की जाती है। दूसरी बात, मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हालांकि वो बात यह कहने की नहीं थी, व्हाट्सएप पे काफी मैसेज चल रहे हैं कि निष्कासित व्यक्तियों को वापस ले लिया गया है। इन सब का खंडन करते हुए मैं ये कहता हूं कि किसी भी निष्कासित व्यक्ति को न वापस दिया है और मैं इस तरह से नहीं जाएगा। अभी तक कोई कार्यकारिणी गठन नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है, अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक आम अधिवक्ता के रूप में मैं विश्वास कराता हूं कि मैं प्रैक्टिस में एडवोकेट हूं। जिनको डिस्मिशन का राइट होता है उन्हीं को रेस्टोरेशन का राइट होगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक पंक्ति बनाई जाए जो अनुशासनहीनता में निकाले गए हैं उनके प्रार्थना पर उन पदाधिकारियों की राय भी समिति में शामिल करते हुए रखी जाए। दूसरी बात, कहीं कहीं बनी हुई खीर में नमक की कंकड़ी डालने की कुछ लोगों को आदत होती है और यह हर जगह होता है। आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आरोप प्लांट मंजूर हो चुका है। पिछले रिजन के कार्यकाल में 6 यूनिट है और जिलाधिकारी के यहाँ उस आदेश की प्रति आ चुकी है। समय के अभाव में आपसे विदा लेते हुए मित्रों यही कह रहा हूँ कि आज समय का अभाव रहा,
सबसे बड़ी जो वेलफेयर की स्कीम जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे अध्यक्ष बनने के मुश्किल से 10 दिन के अंदर ही लागू कर दी गई। हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमें मौका मिला और उनसे हमें विशेष अनुरोध किया कि स्कीम को जल्दी लागू कर दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साथी अब बेचैनी नहीं आना चाहते हैं और अगर वो एलिजिबल है तो जो पहले रकम अधिवक्ता कल्याण निधि की 1.5 लाख रुपए की अब वो 5 लाख रुपए कर दी जाए। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि विधानसभा में अनुपूरक बजट में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है, 5 लाख रुपया अब मिलेगा 1.5 लाख के बजाय। इसकी मोडालिटी अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अखबारों में जो छपा है, इसकी मीटिंग 13 तारीख को, ट्रस्टी कमेटी की मीटिंग 13 तारीख को, इसमें महाधिवक्ता, प्रदेश के विधि सचिव और प्रदेश सदस्यों में बाल पक्ष के अध्यक्ष होने के नाते वो मीटिंग 13 को बुलाई जा रही है और उसमें पूरा खाका हमारे सामने आएगा, तब मैं आप लोगों को बेहतर रूप से बता सकूंगा कि स्कीम की मोडालिटीज क्या है। लेकिन ये पक्का है कि 1.5 लाख से 5 लाख रुपये स्कीम की जो धनराशि थी उसको कर दिया गया। अब पता नहीं, मैं नहीं जानता कि यहाँ मथुरा में कितने साथी हमारे नियोक्ता उस स्कीम के मेंबर हैं, क्या आप लोग खाता धारक बताना चाहेंगे कि उस स्कीम के मेंबर बहुत कम है, नहीं तो 8-10 बहुत कम लोग हैं ये, और मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा नुकसान। बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत तिहरिया और सचिव सतीन परियार सहित सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे और अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे। मथुरा बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही संपन्न हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, पूरी समिति और पूरी टीम है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या कुछ कहेंगे आज शपथ ग्रहण समारोह आपका हुआ है? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सभी अधिवक्ता साथियों को और सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। सभी ने मुझे एक बहुत अच्छी टीम दी है जी, और मुझे विश्वास है कि हम एक नए आयाम स्थापित करेंगे अधिवक्ताओं के लिए काम करते हुए। बहुत अच्छी जीत आपकी, बहुत बतौर से आप जीते। अधिवक्ताओं के हितों के लिए क्या प्राथमिकता है, क्या सोचा है आपने? अधिवक्ताओं के हितों के लिए, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, यहाँ वकालत का माहौल, बैठने का स्थान, पानी, बिजली, सफाई तथा सम्मान जी, न्यायालयों में खास तौर से हमारे युवा साथियों, नए अधिवक्ताओं को पूरा सम्मान मिले, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता। अभी तक आप बहुत समय से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसी कमी खल रही हो जिसे आप पूरा करेंगे अपने कार्यकाल में? विगत 30 वर्षों में समय के साथ आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उनमें कमियां भी रहती हैं जी। सबसे बड़ी कमी है कि हमारे युवा साथियों को मान सम्मान का अभाव न्यायालयों में रहता है जी। मैं जनपद न्यायाधीश महोदय से इस संबंध में अपनी टीम के साथ बात करूंगा और यदि ऐसा नहीं हुआ जी, तो ऐसे माहौल में हम सहायता नहीं मिली तो कोई फिर जनरल हाउस में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। या सचिव है सतीन भाई, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं शपथ लिए है जी सचिव के रूप में आपने। पहले तो मैं सभी अधिवक्ता भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर हम सब का मान बढ़ाया। आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला काम मेरे अधिवक्ता भाई का सम्मान रहेगा। मेरे किसी भी अधिवक्ता भाई को न तो पुलिस के सामने न न्यायालय में कहीं अपमान का सामना कर नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी टीम मिली है, लेकिन आगे सामंजस्य दिखना मिलेगा, क्या कुछ उम्मीद और करते हैं अपनी इस टीम से? जी हाँ, मेरे अध्यक्ष जी मेरे बड़े भाई हैं, जब से मैंने वकालत शुरू की है शायद सबसे पहले मैं इन्हीं के सानिध्य में आया था, जिनसे मेरा प्रेम हुआ। ये बड़े हैं, आज पद में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, वकालत में भी बड़े हैं, मेरे लिए उनका मान सम्मान उतना ही रहेगा जो पहले रहा था, आजीवन उतना ही रहेगा। उसके बाद भी जो अन्य पदाधिकारीगण हैं मेरे, सब प्रैक्टिसिंग वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, सबसे मेरे बहुत मधुर संबंध हैं, पूरे वर्ष भर आप देखना हम बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर्वे जी? मैं पहले तो आपके नियोग के माध्यम से सभी को बधाई देता हूँ कि आज हमारे बीच हम लोगों को शपथ ग्रहण का जो मौका दिया हमारे अधिवक्ता साथियों ने, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं उनके वायदा करता हूँ उनकी समस्याओं के लिए अपने रिज्यूम के साथ मिलकर उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। निवेशी क्या कहेंगे? बहुत अच्छी आपको जीत मिली, बड़े मतों से आप। मैं इस सबका धन्यवाद जो अपने अधिवक्ता समाज के जो हमारे साथी हैं उनको देना चाहता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को देना चाहता हूँ, और जो पद मुझको दिया गया है मैं उसकी पूरी गरिमा बना करके रखूँगा
अधिवक्ता हित को सर्वोपरि रखूंगा, अधिवक्ता के लिए काम करूंगा और अधिवक्ताओं के सम्मान में कोई समझौता नहीं करूंगा और पद की गरिमा को बना करके रखूंगा, यही कहना चाहता हूं। मैडम पहले आप सभा में रही हो, अब ऑडिटर में बार में ऑडिटर हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? मैं आपके चैनल से अपनी सभी अधिवक्ता भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मत देकर मुझे विजयी बनाया और मैं अपनी रिज्यूम के साथ उनके सबसे पहले उनके हितों को देखूंगी और उनकी गरिमा को बनाए रखने में पूरा विश्वास करती हूँ। जी क्या कुछ कहेंगे अपनी टीम के साथ, अध्यक्ष जी आपके साथ हैं, कैसा सामंजस्य रहेगा इस टीम का? मैं सबसे पहले अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे पहली बार में ये पार्लियामेंट पर हासिल कर दिया है और मैं अध्यक्ष जी और सबसे साथ के आदेश में लिखा हूँ। अध्यक्ष जी एक बार और सवाल और है, कई बार ऐसा देखा गया है कि सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, उस सामंजस्य को बिठाने के लिए, क्योंकि बार एसोसिएशन एक प्रतिष्ठापूर्ण संस्था है, प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ा जाता है, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और तमाम चर्चाओं में रहता है, कई बार सचिव भी अध्यक्ष के खिलाफ बैठ जाता है, तो इस परंपरा को कैसे आप जो है ख़त्म करेंगे? देखिए ये परिस्थितियाँ वहाँ होती हैं जहाँ नियमित रूप से वकालत करने वाले लोग नहीं होते हैं। जी सचिव साहब से मेरा तब से संबंध है जब से प्रथम बार इस कचहरी में इन्होंने प्रवेश किया था, उतने लंबे संबंध, उतने विश्वास और प्रेम के संबंधों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सचिव साहब मुझे अपने साथ जोड़कर इस कार्यकाल को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे मथुरा बार एसोसिएशन की अध्यक्ष सचिव सहित पूरी टीम के लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, अध्यक्ष और सचिव ने कहा है कि उन्हें बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है, जो पद से उन्हें नवाजा गया है, जहाँ पर देखा आपने कि जिस तरीके से यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह यहाँ हुआ हर्षोल्लास के साथ, सीधे तौर पर उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है पद की गरिमा को बनाएंगे और अधिवक्ताओं के हित में जितने भी काम होंगे उन्हें प्राथमिकता के तौर पर कराएंगे। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ भारद्वाज।